मोहाली फेज़ 2 मीडिया सेंटर की ओर से दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहबजादों की शहादत को समर्पित लंगर व वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। लंगर में हाजिरी लगाने और सेवा करने खास पहुंचे पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, देखो अज एक अदुती शहादत है। इस शहादत के पूरे संसारक मिसाल नहीं मिलते कि इन्नी छोटी मोटी ड्यूटी कुर्बानी करनी, तो खास करके उदों जो जुल्म जालम का बहुत बड़ा जोर से, तो उदों उन्होंने बच्चों की उम्र भी 9 ते 5 साल सी, एड्डी छोटी उम्र ड्यूटी करवानी देनी, यानी कि इतिहास के जो लिखा गया कि इदों कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो उस दिन साडे लोगों ने तकरीबन जिहड़े इन दिनों दे विच जो सभा दिन होंदे ने तकरीबन एक हफ्ता लगातार सीरी समाग चलते हैं, और हर एक बंदा जिथे कि बैठा इस इलाके का वो बकायदा इन्होंने दिनों दे विच सोग भी मनाते हैं, तो प्लस लोगों जो लोग मत्था टेक श्रद्धा वास्ते आते हैं उन्होंने वास्ते लंगर भी आते हैं। तो मैं कहूँ एक बहुत वधिया उपराला है, तो होर भी लोगों ने इस गल तो एक सीध लेनी चाहिए है, क्योंकि साडा सिख धर्म के लंगर की जी मर्यादा उन्होंने सब तो उत्तम मनिया गया, तो किसी भुखे लंगर छकाना, तो किसी बंद जसर आसरा देना, ये चीज़ जीडिया ने साडे धर्म सू सिखा। तो खास करके तुम पत्रकारों ने सारे मतलब कि इन्होंने लंगर लगाया, तो इन्होंने एक मिसाल कायम की है। मैं थोड़े सारे चढ़ती कला की कामना भी करता, प्लस उन्होंने जो शहीदों को कोट कोट प्रणाम भी करता। अच्छा सिद्धू साहब, अज अकाली दल वालों जिला पद्धर से जो प्रदर्शन किया गया कि उन्होंने जो मजीठे के खिलाफ जो केस दर्ज किया सियासी रंजे तहत, देखो ये उन्होंने गलत फहमी है। ये 2013 का चलिया आ रहा है, जो 6,000 करोड़ का जो ड्रग सीगा है मसला, तो उस वेले सरकार बीजेपी अकाली दल की ना कि कांग्रेस पार्टी की सी, उस वेले बकायदा ईडी वालों भी सद्या गया सी, तो उस वेले इन नामजद भी किया गया सी, पर इन्होंने वो गल दबा के रखा हुआ सी। ये हुण समा आने पर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के उत्ते सारी कार्रवाई हुई है, कोई अपने आप नहीं की सरकार ने, हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई है। पर दूजे पास मैं ये कहूँगा भी अज बिजली थैलों बाहर आ गई जी आम आदमी पार्टी की भी, कि किस तरीके नाल उस वेले दे जिहड़ा अज दिल्ली दा मुख्यमंत्री है उन्हें शरेआम माफ़ी मांग के मजीठे तो कहता ये गल कही कि मैं तुहाडे कोल माफ़ी चाहुंदा, रिग्रेट करदा इस गल नूं कि जो मैं कीता मैं सियासी स्टंट सीगा, ते इलैक्शन दे विच मैं करन वास्ते कीता, ते अज जे असीं कहिंदे उहनूं रैस्ट नहीं पाई तुसीं 4 साल हो गए 5 साल हो गए, जो असीं रैस्ट पाई तां इहनूं इक इलैक्शन स्टंट कहा जांदा है। अज भगवंत मान भी माफ़ी मंगे, तो जिहड़ा केजरीवाल उन्होंने भी पंजाब दे लोकां नूं माफ़ी मंगने की जरूरत हैगी है, तो अज वो गल सामने आ गई है कि भी किस तरीके केजरीवाल की मिली भुख से इन्होंने। सिद्धू साहब, जिहड़े बंब धमाके हुए हैं जां बेअदबियां हुई ने, इन्हां दे उत्ते राजनीति हो रही है जी, कांग्रेस किसी ते इल्जाम ला रही है, लोग कांग्रेस ते इल्जाम ला रहे हैं, तुसीं की समझदे हो? बिल्कुल गलत गल नहीं, सुनो इलैक्शनां दे कारण जे पंजाब च अज शांति ते अमन है ते कांग्रेस पार्टी दी बदौलत है, और जदों पूरी अग वधदी जो सरदार बिंद सिरां ने सरकार संभाली सी तां पंजाब विच अमन शांति होया सी। असी अमन पसंद है, शांति पसंद है, ये जिहड़ियां कुछ जिहड़ियां एजेंसियां ने उन्हां राहीं पंजाब दे लोकां नूं डराया धमकाउण दी कोशिश की जा रही है, खासकर एक वर्ग नूं कि शायद वह लोग डर जाणगे, पर साडा पंजाब बहुत इस गल्लों महान है, साडी जो आस सांझ है उन्हों को तोड़ नहीं सकता। पर सिद्धू साहब किस तरह देखते हो, क्योंकि कारण यह आ जो 2017 दी विधानसभा चोणां थी उस तरह मौड़ मंडी जो बंब ब्लास्ट हुंदा, तो उस तो पहला ये सारिया तरीके जिहड़ियां एजेंसियां ने वो काम करवा रही ने, लेकिन कोई बंदा अपने राज भाग दे विच कोई इदां दा कदे भी गलत काम नहीं करता जिहड़ा अज हो रहा है, क्योंकि उहदा कारण है कि साडी सरकार हमेशा अमन पसंद रही है, और जिहड़े गैंगस्टर सीगे वो कदों खत्म होए, तो किने पैदा किए थे, जो पहला भी हालात पंजाब के खराब हुए ने उहदे लई अकाली दल सिद्धू साहब जिम्मेवार सीगा, अज्ज वो लोगों को गमराह करने वास्ते ड्रामे कर रहे हैं, पर असी
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਸੀ, ਸੂਢੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੀ ਤਾਂ 1985 ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।